आपको पता है ये जो मैंने बच्चों के एक ब्लैंकेट बनाया है, ये बच्चों के पुराने कपड़े हैं जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी है, सब छोटे हो गए। तो आप देख पा रहे हो इतना ज़्यादा बच्चों के कपड़े हैं, बहुत सुंदर इसका क्वालिटी रहता है, पर किसी को देने का मन नहीं करता है बिकॉज ये पुराना होता है। एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ प्रिया। चलिए बनाते हैं इस बच्चों के कपड़े के से संग कुछ अच्छे चीज़। तो ये मैंने ले लिया है ना 6x7 inches का एक इसका मेजरमेंट ले लिया, और इसे ना छोटे छोटे स्क्वायर आपका काट काट के आपको ऐसे ही सबके बराबर से आपको काटना है। मैंने कॉटन के कुछ कपड़े ले लिया था। अब जो लेने वाली हूँ ना, ये है इसकी जो टी शर्ट होता है बच्चों के, तो इस टी शर्ट के ये मैंने ले लिया। इसके अच्छे वाले पार्ट को मैंने इसी के हिसाब से काट लिया। तो पहले मुझे लग रहा था सिर्फ कॉटन यूज़ होगा, मेरे स्टिच नहीं होगा, तो फिर मैंने मुझे लगा ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इसे भी हम यूज़ करते हैं, का मटेरियल भी बहुत अच्छा लगेगा। तो सारे मैंने कट लिया, और बीच में ना मुझे इसका डायनासोर का प्रिंट जो है ये बहुत अच्छा लगा। ये ना मेरा कुछ एब्रॉड का है, किसी ने गिफ्ट किया था, फेंकने का मन नहीं कर रहा था। इसका जो मेजरमेंट है ये 11 inches by 8.5 inches है, तो इसे मैंने एक बड़ा साइज़ का काट लिया। और जितना भी ना टॉप है, कुर्ता है, चीज़ है, उसमें ना थोड़ा जिप और ये जो आपका छोटा छोटा बटन है ना, इसे हम अच्छे से पहले रख लेते हैं, इसका कुछ और काम में भी आ जाएगा, और ये जो बाकी का है ये हम फेंक देंगे। तो सारा 6.7 आप लोगे इसका कोई मतलब नहीं है, आप कोई सा भी मेजरमेंट से कर सकते हो, कोई छोटा कोई बड़ा, जो आपको ठीक लगे। बस इसको अच्छे अच्छे से चारों तरफ ना अच्छे से एक मेज़र होना चाहिए, एक के संग एक स्टिच करके हम फटाफट से इसे कंप्लीट करेंगे। तो आप देख पा रहे हो ना, ये मेरे मशीन में ना आपका ये जो लाइक्रा का मटेरियल है, जो गंजी मटेरियल होता है ना टी शर्ट वाला, वो भी बहुत अच्छे से स्टिच हो रहा है। तो ये कंप्लीट, ये फटाफट से मैंने एक के संग एक जोड़ लेती हूँ। ये स्टिच करने के बाद ना सारा एक एक लंबा लंबा करके आप स्टिच करोगे, मतलब पार्ट पार्ट करके। ये कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा है, ये आप देख पा रहे हो, छोटा बड़ा सारा मिक्स करके मैंने ये बनाया है। इसे अच्छे से आयरन करोगी तो ये अच्छा और लगेगा। तो इसे क्या करना है ना, इसके जो बैक साइड है उसे भी तो बैक साइड में भी ताकि बच्चों के इसके ब्लैंकेट बनाओगे ना, जैसे कोई खरोच या फिर कुछ भी रॉयजेस ना निकले इसके लिए। बैक साइड में ये भी मुझे घर पे बना हुआ था, इसी ब्लैंकेट को ना एक हतला पतला एक ब्लैंकेट होता है उसे बस पीछे से ना अच्छे से आपको चारों तरफ कॉर्नर करके आपको स्टिच कर लेना है। खाली एक कॉर्नर छोड़ के स्टिच करना है ताकि हम बैक साइड उल्टा कर सके, इसे फ्लिप कर सके। तो ये अब कंप्लीट होने के बाद ये मैंने 2 से 3 inches छोड़ दिया है ताकि मैं फ्लिप कर सकूं। ये फ्लिप करने के बाद फटाफट से मैं फ्लिप कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये फ्लिप करने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा है, कॉर्नर कॉर्नर को अच्छे से ठीक कर देंगे। अब इसे अच्छे से ना आयरन कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है, और अच्छे से आयरन कर लेंगे ना इसे ना बहुत ही सुंदर लगेगा। तो एक नॉर्मल चीज़, ये पुराना कपड़े बच्चे को किसी और को देना भी अच्छा बात नहीं होता है, आपको देना है तो कुछ खरीद के दो अच्छी बात है, बट ये ना आपको फेंकने का भी मन नहीं करता है। कुछ कुछ अच्छा अच्छा कुछ ब्रांडेड होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ कुछ चीज़ ना पुराना छोटा बच्चा एकदम बहुत सारे कपड़े ऐसे भी होता है ना, छोटा बच्चे का इमोशन भी जुड़ा होता है बच्चों के संग, तो उसे फेंकना के भी मन नहीं करता है। तो ये आपका यूज़ भी करेगा, बच्चे भी यूज़ करेगा। ये कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा है, फ्रंट और बैक दोनों ही आपका अच्छा लगेगा, मतलब पीछे भी आप यूज़ कर सकते हो और फ्रंट में भी आप यूज़ कर सकते हो। ये कुछ कंप्लीट होने के बाद और आयरन होने के बाद ना इस तरह दिख रहा है। मैं आपको एकदम क्लियरली बाहर इसे अच्छे से और भी साफ साफ करके इसे डिटर्जेंट से धोने के बाद ये कुछ कंफर्ट दिया, और ये बस धूप में सुखा लिया, बस कंप्लीट हो गया हमारे। ये इजी से इजी प्रोसेस में आप बच्चों के लिए आप एकदम अच्छे से सामान बना सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, घर पे ज़रूर बनाइएगा।